थ्री इडियट मूवी बहुत पहले रिलीज हुई थी, उसमें वो बार बार डायरेक्टर कहता है कि जिंदगी एक रेस है, वास्तव में रेस टाइप में बन गई है लाइफ। आप अपनी जिंदगी को देखिए, आमतौर पे डेली का रूटीन सेम ही होगा। यदि आप रुक के देखोगे ना, सुबह उठते हैं, उठने के बाद वही नहाना धोना, वही ब्रेकफास्ट करना, वही यदि ऑफिस जाना है तो ऑफिस के लिए जाना, फिक्स हो गया है लाइफ। आपको नहीं लगता कि जिंदगी फिक्स हो गई है? या कोई काम सोच रहे हो, जैसे पढ़ाई है, ये भी एक रेस की तरह चल रहा है। आप खुद देखो, मैं हमेशा इस चीज को लेकर के हमेशा चर्चा होती है। हम घूमने टहलने भी जाते हैं तो भी ऑफिस की चीजें रहती हैं, घर की बातें होती हैं। मैं कहता हूँ चलो आज छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी में भी काम होता है। आज आप आए हुए हो तो शायद मुझे लगता है कि अपने लिए आए होगे, या फिर मान लीजिए मेरे पास अपने लिए टाइम बहुत कम होता। मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, आया हूँ अपने लिए नहीं आया, आप लोगों के लिए आया हूँ। या फिर किसी से मिलने जा रहे हो तो दोस्त से मिलने जा रहे हो, अपने आप से मिलने नहीं जा रहे हो। 90 से 95 क्या 99% की लाइफ दूसरों के लिए हो गई है, और यही समस्या का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने लिए टाइम निकालते नहीं कहीं भी। घूमने टहलने जाना है तो लोगों के साथ जाते हैं हम लोग, कभी अकेले नहीं जाते कि अपने आप से रूबरू हो सकें। 4-6 लोग होते हैं, उनके अपने अपने फंसाने होते हैं, है ना। तो ज़िंदगी क्या हो रही है, दौड़ रही है बस सरपट, एक ऐसी स्पीड में दौड़ रही है जहाँ पे ना कोई ब्रेकर आ रहा है कि ब्रेकर आ जाए तो स्पीड कम हो जाए, बस भाग रही है। आज आपके जेब में 100 रुपए हैं, कल आपको 500 चाहिए। आज आपने एक बुक पढ़ ली, कल दूसरी भी तैयार रखी है। सिर्फ भाग दौड़ है लाइफ में, या आप फील नहीं करते? स्ट्रेस है बस। एक एग्जाम निकला, प्री निकला, मेंस की तैयारी, मेंस से निकला, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, पता होगा आप लोगों को। बहुत 20 के आसपास बच्चे मेरे साथ जो जुड़े थे, 20 के आसपास हुआ। बहुतों को निराशा भी मिली, बहुतों का नहीं हुआ। फिर उनकी लाइफ चालू हो जाएगी, लाइफ एक नए सपने के साथ। अगले साल का टारगेट 31 मई दिखने लगा उनको, कुछ के लिए मेंस दिखने लगा, ठीक है। सिर्फ दौड़ है, क्या ये ज़िंदगी है? मुझे नहीं लगता है लाइफ है। आप पूरी ज़िंदगी इसी फंसाने में निकाल देते हो। हमें अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। आपको पर्सनली अपनी लाइफ के लिए कुछ समय निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, कुछ भी निकालो डेली का, जो अपने लिए हो, अपने बारे में सोचने के लिए हो, अपने नॉलेज के बारे में सोचने के लिए हो। उसमें सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम्स हो जिनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, उसमें दूसरा इन्वॉल्व ना हो। आज के टाइम में प्रॉब्लम हम दूसरों की सॉल्व कर रहे हैं। घर पे यदि मैं किसी से बात करता हूँ, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, तो भी वो किसी और की प्रॉब्लम को लेकर मेरे साथ बैठा हुआ है। कितना मतलब अजीब सी कहानी है ये। स्टूडेंट लाइफ में अभी चूंकि हम लोग कम उम्र में हैं, अभी हमारी उम्र ज़्यादा नहीं हुई, धीरे धीरे हम फंसते चले जाएंगे दुनियादारी में। तो मैं आप लोग सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, एक टाइम बनाओ सिर्फ अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। डेली एनालिसिस करो, डेली रिपोर्टिंग करो खुद को, खुद की रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है प्रशासन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिना रिपोर्टिंग के प्रशासन चलता ही नहीं है, और पूरा का पूरा प्रशासन रिपोर्टिंग से ही चलता है, ये भी आपको पता होगा। तो खुद की रिपोर्टिंग डेली करो कि यार आज आपने किया क्या, कल आपको करना क्या है। यदि इतना बस तय कर लो ना, ये क्या है ना, सब मोह माया है और कुछ नहीं। ये पढ़ते आ रहे हो, कक्षा एक में थे तो 2 की टेंशन थी कि 2 में जाना है, जो 2 में गया वो जुलाई से, अगले जुलाई से, फिर 3, 4, 5 जिंदगी भर चलता रहेगा फंसाना, ठीक है। अभी आप कल के दिन जॉब पा जाओगे, जॉब वाले तमाम भी, अभी आप लोगों के बीच में एक पर्सन बैठे थे थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले गए थे, झेल रहे हैं, परेशान हुए पड़े हुए हैं। तो लाइफ ऐसे नहीं चलती है। मैं उनको भी बहुत समझाता हूँ कि देखो यार थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला करो, सब कुछ ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चीज़ है अपनी लाइफ में, लेकिन अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम डेली का, 10 मिनट, 5 मिनट, डेली खाना खाते हो आप, डेली सांस लेते हो, डेली दुनिया भर की प्रक्रियाएं करते हो, लेकिन अपने लिए आपको टाइम नहीं है, उसको निकालो। अभी यूपीएससी के लिए निकाल रहे हो आप, और किसी और के लिए नहीं है। आप बैठे हो किसी और चीज़ के लिए बैठे हो, कोई दूसरे टारगेट के लिए बैठे हुए हो, ये आपका नहीं है। ये आप किसी के लिए मेहनत करने के लिए, कल के दिन कहीं बैठ जाएंगे तो वहाँ मेहनत करेंगे, ठीक है। कागज़ के नोटों से आपकी पहचान नहीं है। तो थोड़ा सा अंदर झांकिए और अपने अंदर काम कीजिए, ऑटोमेटिक वर्क होना चालू हो जाएगा। यदि आप 5 मिनट 10 मिनट डेली का निकालने लग जाओगे ना, आपकी देखो मैं एक बात बोलता हूँ, भारत सरकार चलाती है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बहुत लंबा इस साल जो है टारगेट, फाइनल टारगेट भी है। मैं कहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान ठीक है, मोदी जी की बहुत अच्छी विचारधारा है। मैं कहता हूँ एक विचार आध्यात्मिक स्तर पर भी भारत में होना चाहिए,
मस्तिष्क में जो कचरा भरा हुआ है, हर आदमी के दिमाग में पूरा कूड़ादान है, डेली के विचार सिर्फ आ रहे हैं, खाली नहीं किए जा रहे हैं। आपको पता है आपका दिमाग सड़ चुका है पूरी तरीके से, पूरा गंदा हो चुका है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है दुनिया भर की, आपके अंदर छल भर चुका है, प्रपंच भर चुका है, झूठ भर चुका है, फरेब भर चुका है, कितनी चीज़ें आपके अंदर भर चुकी है। लेकिन कभी किसी ने प्रयास किया कि आपके दिमाग से वो चीज़ें निकली, या खुद कभी कि आपने प्रयास किया कि आपके दिमाग की जितनी गंदगी है, जैसे कि एक गंदगी ये भर जाए कि मैं शायद सफल ना हो पाऊँ, ये भी एक गंदगी है ना। या फिर दिन भर की किसी ना किसी की प्रॉब्लम आपके दिमाग में आके भरती चली जाए, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। थोड़ा सा बस एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अपने लिए टाइम निकालिए, सोचिए आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे अभी अभी इस मोमेंट में बैठे हैं, इस मोमेंट में क्या चल रहा है आपके ब्रेन में। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग पूरा हतोत्साहित हो जाता है, या कभी बहुत उत्साह होता है। हर चीज़ का अपना अलग ही मज़ा है, फेल होने का मज़ा सफल होने पर नहीं मिल सकता है। 5 बार जो बच्चा असफल हुआ होगा और जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास हो चुका होगा, उन दोनों का अनुभव अलग अलग होगा। 5 बार जो असफल होने वाला बच्चा है उसको वही वो अनुभव वो नहीं पा सकता जो पहली बार में सफल हुआ है ना। हर चीज़ का लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यूनिक है। आपके साथ जो घट रहा है वो एक्सपीरियंस मैं नहीं ले सकता, मेरे साथ जो घट रहा है मेरा एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते हो। तो जब हर मोमेंट अपने आप में यूनिक है, यदि इस बात को सोचा जाए तो हर मोमेंट में आप अपने आप को आनंदित रख सकते हो, खुश रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ोगे, पढ़ने के बाद डिप्रेशन आएगा, 4 दिन बाद आके खड़ा हो जाता है वो, पता नहीं क्या होता है वो, लेकिन उसको उसको फील करो, उसको एंजॉय करो। 5-10 मिनट के लिए सोचो कि दिमाग में चल क्या रहा है, ये क्या आपको सिखाना चाह रहा है। यदि ये मेथड आप सीख जाओ तो मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में एक अलग एनर्जी निकल के आएगी। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे, आपके पास बटन आ जाएगा अपने लाइफ के कंट्रोल सिस्टम का। नहीं तो दरअसल हो क्या गया है, लोग परेशान हैं क्योंकि ये कूड़ादान बन गया है, इसकी गंदगी नहीं साफ हो रही है, और ये गंदगी इतने बुरे स्तर तक जा रही है कि आज समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, एक दूसरे पर इतना ईर्ष्या है कि कभी मिल जाए तो मार दिया जाए। अपराध मान लो IPC, CRPC और दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था नहीं होती भारत में तो 1 मिनट लगता, हम खत्म कर देते दूसरे की जिंदगी के। हमें तो डर ने रोक रखा है बहुत सारे लोगों को, इतनी खुन्नस आ जाती है, क्यों? क्रोध को नहीं आप रोक पा रहे हो अपने, आपके अंदर तुरंत कोई दूसरा वाला दो शब्द बोलता है, आपके अंदर संयम नहीं है। कभी ट्रैफिक पे चलिए, देखिए सामने वाला थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा दे, 4 गालियां मुंह से निकल जाती हैं, वो सुन तो नहीं पाता, यदि वो सुन ले तो आपको पीटने भी आ जाए वो, क्यों? ये संयम नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर, सिखाया ही नहीं गया। दरअसल पहले होता था, गुरुकुल पद्धति में सब चीज़ें थी, लेकिन अब जो आधुनिक शिक्षा पद्धति आई है, ये शिक्षा पद्धति रेस की है, दौड़िए नहीं तो छूट जाएंगे आप। अरे भाई क्या मतलब उस दौड़ का, जिस दौड़ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आज IIT करके बच्चा सुसाइड कर रहा है, मेडिकल करके सुसाइड, क्या मतलब इस शिक्षा पद्धति का, क्या दे देगी हमारे समाज को, समाज को हमारे बीमार बना रही है। मैं पढ़ाई करने के बाद बीमार बन जाऊं, इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है बताओ? ऐसी पढ़ाई तो नहीं चाहिए मुझे, मेरे 4 बार अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना हो और मैं परेशान पड़ा हूँ, क्या मुझे दे दिया मेरी शिक्षा पद्धति ने, कौन सा मैं इंटेलेक्चुअल बन गया? ये सिखाना चाहिए हमारी पढ़ाई सिस्टम को। तो एजुकेशन सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के अंदर वो वैल्यू आए, लेकिन वो वैल्यू तभी आएगी जब अपने आप अपने पास बैठोगे। आपको दरअसल अपनी वैल्यू नहीं पता, जिंदगी सबसे आसान चीज लगती है, ये सबसे ईजी चीज़, जबकि सबसे अमूल्य चीज़ यही है। सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन अब ये चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी पड़ेंगी, अब ये नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, और इन्वॉल्व होने में भी बहुत समय लग जाना है। तो मैं आप लोगों को बस एक ही सलाह देता हूँ, सबको देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है बैठता है उससे मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई अपना मूल्य समझो इस पढ़ाई भरी लाइफ में, जद्दोजहद भरी लाइफ में अपनी पहचान मत भूल जाना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को जिंदगी मत बना लेना, ठीक है? जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत प्यारी है, बहुत सुकून भरी है, बहुत आनंददायक है, सब कुछ है इसमें। इसलिए अपनी पहचान जरूरी है, थोड़ा सा अपने अंदर पे एनालिसिस जरूर करो। ये बहुत छोटे टारगेट हैं, कुछ नहीं है ये, आपको लग रहा है बहुत बड़ा, ठीक है? जो उस पोस्ट में बैठा है उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है, वो दूसरे पे दूसरा उसे दिख रहा है वो परेशान है क्योंकि उसको ये चीज़ सिखाई नहीं गई। हर चीज़ बड़ी है, जो आज आप बैठे हो ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये चीज़ आप समझो तब। किसी चीज़ को बहुत बड़ा मत बना दो, इतना ज़्यादा इंस्पायर मत हो जाओ कि उसके ब्लाइंड फेथ करने लग जाओ, ठीक है? नॉर्मल सी चीज़ है, उस पद पे जा करके काम करना है, बस इतना दिमाग बैठा के चलो। ये नहीं कि वही जिंदगी और मृत्यु है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट आया और इतनी फ्रस्ट्रेशन मैंने सुनी है
मैं फोन कॉल करने के बाद जो मेरे से बात, मैं बस मुझे एक ही चीज फील हो रही थी कि बंदे ने 5 साल 6 साल 10 साल से इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन सीखा क्या? ये एक छोटी सी असफलता टैकल करने नहीं सिखाया इसके एजुकेशन सिस्टम ने। डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, इसको लग रहा है बस जिंदगी अब यहीं तक थी, फिर उठ के खड़ा होना एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया। तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा कि जो सफर में आप निकलने जा रहे हो, इस सफर में सफलता और असफलता दोनों मिलेंगी, दोनों मिलेंगी, जरूरी है। लाइफ में डेली आप सफल होते हो, डेली असफल होते हो, है ना। मान लो सुबह का टारगेट आपने 6 बजे उठने का और 6:30 बजे उठ रहे, तो भी असफल हो गए आप उस दिन, तो अनसक्सेसफुल हुए ना, फिर भी आप जिंदगी पूरा दिन और फिर अगले दिन आप एक नया बनाते हो कि चलो मैं कल जल्दी करूंगा। दिन के टारगेट होते हैं, सब कुछ होता है, डेली हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। 8 घंटे का मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ, मैं किसी दिन 10 पढ़ लेता हूँ, किसी दिन 6 ही पढ़ पाता हूँ, तो जिस दिन 6 पढ़ा क्या असफल हो गया क्या मैं? लाइफ को ऐसा मत बनाओ, लाइफ को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाओ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि यदि आप लाइफ को मोड़ना चाहो तो राउंड शेप भी ले ले, जो शेप देना चाहो वो शेप में आ जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ महज एक छोटा सा एग्जाम की तैयारी करने के सफर में आप निकल रहे हो, उसमें प्रवेश कर रहे हो या प्रवेश कर चुके होगे काफी समय से। यदि आप प्रवेश कर भी चुके हैं तो इस चक्रव्यूह में बहुत बाधाएं नहीं है, बहुत आसान चक्रव्यूह है, बस आप अपने आप को मैनेज कीजिए। थोड़ा सा यात्रा लंबी है, 1-1.5 साल की है, 2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, हमारे आयोग इतने ज्यादा, उनको कुछ बोलते बनता नहीं है, है ना। आयोगों को कुछ नहीं पड़ा कि कौन उनके, वो एक बना दी गई संवैधानिक संस्था, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फॉर्म निकाल रहे हैं, रेवेन्यू भरा, बढ़िया करप्शन किया, है ना। तो वो भी एक आपको प्रॉब्लम मिलेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी। तो सब कुछ मिलने वाला है इस सफर में, लेकिन इसको लाइफ यदि बना के आप चल रहे हो तो कृपया करके छोड़ देना, कुछ और कर लेना। यदि इस लाइफ में आ रहा है तो पहले थोड़ा सा इस एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अपने अंदर की वैल्यू पावर भी जिंदा रखो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने आप को जानो, अपने महत्व को जानो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम डेली दो, ये मैं नहीं सिखा सकता कि आप कौन हो, आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है डेली अपने आप से रूबरू होगे। आप अपने आप से रूबरू कितनी बार हुए हो? कितनी भी बार नहीं, कभी अपने दिमाग को देखा ही नहीं सही से बैठ करके कि इस मशीन में चल क्या रहा है। बहुत बड़ी मशीन आपके पास है ये ब्रेन, बहुत एनर्जी है, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन एक बार इस कैपेसिटी को समझिए तो ऐसा ना हो जाए कि इस अस्त्र को ही ना संभाल पाओ आप और यही अस्त्र आपको मार दे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कृपया करके अपने आप को समझिए, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट कर रहा है, नहीं, आप सामने वाले से फ्रस्ट्रेट नहीं हो, अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो। आपको लग रहा है यूपीएससी आपको फिर, नहीं वो नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो, वो आपके ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो अपने ब्रेन को समझ के उस पर काम कीजिए, बस मैं आपको यही सलाह दूंगा। बाकी पढ़ाई कीजिए, इससे आसान काम कुछ नहीं है धरती का, धरती का सबसे आसान काम पढ़ना है बस, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। लेकिन आपने ब्रेन पे काम नहीं किया इसलिए सबसे कठिन भी आपको लग सकता है। क्या है इसमें बताओ? यदि आपको कठिन काम सीखना है ना कभी, तो कठिन काम जाके किसान से पूछिएगा कि क्या होता है, एक दिन उसके साथ लग जाइएगा 24 घंटे के लिए, वो बताएगा कठिन क्या होता है। बेचारा 6 महीने फसल पैदा करता है, 6 महीने बाद भी उसको पता चलता है, अभी जैसे आंधी तूफान बारिश चल रही है ना, समझो उससे पूछो उसके दिल की हालत, पूरे खेतों में पानी भरा है, कितना भरा है, कब तक भरा है, उसके हाथ में नहीं वो चीज़ें। किसान से पूछो, सीमा में जवान खड़ा है उससे पूछो, पहाड़ों में रह रहे लोगों से पूछो कि क्या कठिन जीवन होता है। आराम से सुकून से पढ़ना है बस, इतनी सी बात है। अब इस बात को बवंडर बनाना है तो बना लो, बवंडर बना के सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट रखता है, उससे मिलो तो लगता है कि देश का प्रधानमंत्री शायद यही है। इतना गंभीर चेहरा, इतना उदासीन चेहरा, उससे बात करो तो बड़ी बड़ी बातें करेगा और लगता है कि भाई साहब ये पीएमओ संभालता है पूरा। तो वो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो बिल्कुल ईजी लाइफ होना चाहिए, ठीक है, सुलझे हुए व्यक्ति रहो, ज़्यादा किसी से पछड़े मत रखो। कुछ बच्चे होते हैं उनको 15 लोग उनके साथ दिए हैं तो 15ों से दिक्कत है उन्हें, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें अरे उसको वो है चिड़चिड़ा व्यक्ति तो मैं क्या करूं भाई, उसकी प्रॉब्लम है अपना रखो। मैं अपना सुलझापन आपके अंदर होना चाहिए बस, नहीं तो आप सबकी कमियां ढूंढते रहोगे, अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे, अपने अंदर काम करो बस और कुछ नहीं। बाकी दुनिया को ठीक है, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आज परिवार है आपके साथ, परिवार में हो सकता है 10 तरीके के लोग हों आपके, आपके फादर का नेचर अलग हो, मदर का नेचर अलग हो, आपके ब्रदर का नेचर और सबका नेचर अलग होगा, लेकिन किसी के नेचर से आपको क्या पड़ी है? आप तो कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हो पुत्र के नाते, भाई के नाते, इन सब रिश्तों से, और क्या कर सकते हो। कल के दिन विवाह होगा, पत्नी आएगी, उसका नेचर अलग निकल जाएगा, तो क्या करोगे आप उसके नेचर का? आप उसका नेचर बन जाओगे।
आप अपने आप पे काम करो, बाकी छोड़ो दुनिया को। कल के दिन प्रशासन में जाओगे 365 नीचे मिलेंगे, 365 ऊपर मिलेंगे, और डेली मिलेंगे आपको, क्योंकि वो 365 है संख्या में, डेली एक एक आएगा साल में, और वो आपको पता नहीं है, सच बता रहा हूँ। इरिटेशन होती है, लेकिन आप यदि लाइफ को समझ गए अपनी, तो इरिटेशन आप हैंडल कर लोगे, नहीं वहाँ तो और पचड़ा है, वहाँ पचड़ा नीचे वाला भी मार रहा है, ऊपर वाला भी पीट रहा है, काम नहीं करने दिया जाता, प्रशासन बहुत गंदा है, अंदर से देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी लाइफ पे काम करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बस ये जिंदगी और उसका सवाल नहीं, अपनी लाइफ है। यदि मैंने हारने को टैकल करना सीख लिया तो मुझे कौन हरा सकता है ना। लोग जीतने के बाद पागल हो जाते हैं, एक है ना वो कनक कनकते सोगिनी मादकता अधिकार, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि सोना और धतूरा ये दोनों में मादकता होती है, तो हैंडल करना सीखना चाहिए आपको, है ना। दोनों खा के आदमी बौरा जाता है, सोना मिल गया ज़्यादा, यानी ज़्यादा धन संपदा मिल गई। तो मैंने एक आप लोगों को क्लास में स्टोरी सुनाई थी, शायद स्टोरी वो सब तक नहीं पहुंच पाई थी। देखो आपको दोनों में बैलेंस में बैठना पड़ेगा, यदि आपके पास ज़्यादा धन आ जाएगा तो भी आपको दुनिया नहीं दिखेगी, है ना। आप धन के बड़े ढेर में खड़े हो जाइए, लोगों को दुनिया दिखनी बंद हो जाती है, दुनिया ही नहीं देख पाते वो फिर। यदि आपके पास धन बिल्कुल नहीं है तो भी आप दुनिया नहीं देख पाओगे, है ना। मैंने कि पिक्चर टाइप में वो पिक्चर मैंने है ना ग्राफ बनाया था एक, जिसमें दिखाया था कि ये दुनिया का है इसमें, और एक आदमी है जिसके पास धन के ढेर पे खड़ा, तो उसको दुनिया, उसका चेहरा ऊपर हो जा रहा दुनिया से और दुनिया देख ही नहीं पा रहा। एक है जिसके पास धन बिल्कुल नहीं है और वो बिल्कुल नीचे, उसको भी दुनिया नहीं दिख रही। एक व्यक्ति है जिसके पास धन भी है और बुद्धि भी है, और दोनों का बैलेंस बनाकर वो खड़ा है, उसको दुनिया दिख रही है। तो केवल धन आ जाने से आपको लग रहा हो कि जिंदगी बदल जाएगी, हो जाए, कुछ नहीं होता। 365 पड़े हैं अभी यहाँ पे नोएडा ये पूरे एरिया पे खड़े हो, सब मुआवजे वाले हैं, 10-10 करोड़, 15-15, इनको भी दुनिया नहीं दिख रही, लेकिन क्या लाइफ है। जाके मिलो उनसे, किस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं। कभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ और कभी उनकी लाइफ को देखो तो कहेगा नरक है। 10-15, एक मेरे पास स्टूडेंट आए, वो दिल्ली पुलिस से थे, शायद वो मुझे सुने भी, वो दिल्ली पुलिस थे और मेरे पास आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि सर दिल्ली पुलिस में मैं जॉब कर रहा हूँ, और मुझे, मैंने कहा जॉब कर रहे हैं तो तैयारी नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगी आपकी तैयारी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, 10 करोड़ रुपए है मैंने अकाउंट में इतना रखा है। मैंने कहा अच्छा, तब तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए जॉब को, क्या है जॉब में कितना मिल रहा है आपको, जॉब छोड़ दीजिए, लगिए 2-3 साल इधर, ज़्यादा खींच के 50 लाख खर्च हो पाएगा, तब भी 9.5 करोड़ रुपए रहेगा आराम से, दिल्ली कॉन्स्टेबल से आप, है ना। तो क्या है ना कि लाइफ में पैसा हो जाना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लाइफ को जीना सीखना पड़ेगा आपको, इसी को कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट खुद लीजिए, फिर ना तो हार हरा पाएगी, ना तो कोई आदमी हरा पाएगा आपको। लोग आएंगे, हर तरीके के लोगों को डील करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा बोलने वाले आ जाएगा तो आपको लगेगा ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलने वाला होगा आपको लगता है कम बोलता है, तो दोनों में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। ज़्यादा वाले को ज़्यादा तरीके से टैकल करना है, कम वाले को कम से टैकल करना है। बात को सीखो बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा वो बताने नहीं आया, कल से वर्षोग्रोपी की क्लास है, क्लास में आओ, पढ़ाई करो, ख़त्म बात, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। भाई आप मेरे पास आए हो यही पूछने आए हो ना कि पढ़ाई करना चाहिए एग्जाम के लिए, तो पढ़ो, इसमें पूछने की ज़रूरत क्या है तो पढ़ना है और क्या, कैसे पढ़ना है, किताबों से सब पढ़ना है, किताबों से न समझ में आए तो हम खड़े हैं, हम बताएंगे उसको आसान भाषा में, बस इतना ही बात है। चाहो तो आप किताबों से पढ़ सकते हो, हर चीज़ की किताब मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। तो कल से आपका सेशन है, कल से क्लास में मिलते हैं, आधुनिक भारत की क्लास मुझे पढ़ानी है। जितने लोग नए जुड़ेंगे आधुनिक भारत में मैं अलाउ करूँगा, जब से फ्रीडम स्ट्रगल चालू होगा तब से, जब से अभी नहीं चालू हो रहा, अभी चूंकि बीच का टॉपिक है, 2-4 दिन बाद वो टॉपिक ख़त्म करके फ्रीडम स्ट्रगल पे आऊँगा तब से मैं अलाउ करूँगा, तो सब लोग एक साथ बैठ के ही क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर चला जाए। क्या हाल है, कहाँ से आए? गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद में कहाँ से? नंदग्राम से। कुछ पूछना है? सबसे पीछे सर, आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हैं। अरे वाह, हाँ, अखिलेश यादव जी के यहाँ से, आपके बगल में, बैठ जाइए बैठ। अच्छा, आप भी वहीं से हैं? वहीं से ही होंगे, हाँ हाँ सगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बैठ जाइए कोई।
स्वागत है सर। चलिए ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता कुछ पूछना, कल क्लास में मिलते हैं, ऑर्गेनिस्टिक क्लास में। देखो डेली बातचीत होगी, क्लास में मैं ऐसे ही चलाता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से होकर पढ़ाया जाए, ऐसे ही चलेगा। बाकी जो प्रॉब्लम है पूछा करो, मौन व्रत यहाँ ग्रहण करके मत बैठा करो, जो पूछना हो, जो दिमाग में चल रहा हो, साझा करने से हल्का होता है दिमाग, है ना। मन में नहीं रखना चाहिए, पेट में नहीं रखनी चाहिए कोई बात। यदि किसी से कोई दिक्कत है तो उसी से डायरेक्ट जाओ, उससे बात कर लो, उसकी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, दूसरे से भी नहीं कहनी चाहिए। यह भी एक होती है पॉलिसीगिरी, है ना। दिक्कत किसी और की है, बता किसी और को रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जिसकी प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट। यदि कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो फिर डेली मिलेंगे, आप बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कि और कुछ थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हाथी भी खा सकते हैं। हाँ, तुम्हें ज़्यादा दे दूंगा तो पचेगा नहीं फिर, ठीक है। पचना भी ज़रूरी है, नहीं तो पचला बदहजमी हो गई, लूज मोशन हो गया तो फिर कैसे होगा, है ना। चलो।